हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली आरपी 9 में जनरल वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आइए दोस्तों आज हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री करना सीखते हैं कि जनरल वाउचर जो F7 शॉर्टकट की होता है काउंटिंग वाउचर का, उसमें हम लोग कैसा एंट्री करते हैं, किस टाइप का एंट्री करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं। जैसा कि आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वेजेस पेड करना है 500 रुपया, कैरेंज रिवार्ड पेड करना है 700, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, टी एक्सपेंसेस है, फ्यूल एक्सपेंसेस है, तो ये सब एंट्री हम लोग जनरल वाउचर में कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम जनरल वाउचर के बारे में अगर बता दें तो ये अकाउंटिंग वाउचर का एक ऑप्शनल वाउचर है जिसका एंट्री जो है हम लोग किसी भी टाइप के वर्क के लिए कर सकते हैं। अगर आप जनरल का एंट्री करना चाहें तो आप हर एक वर्क के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट का एक एक पर्सनल कॉपी होता है और एक मेरा जो है वो रॉफ का कॉपी होता है, जिसमें हम लोग किसी भी टाइप का जर्नल एंट्री कर सकते हैं, मतलब उसमें एंट्री कर सकते हैं। एज लाइक वैसे भी आपका अकाउंटिंग वाउचर का एक वाउचर है जर्नल, जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार का एंट्री को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को जर्नल वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे, आइए हम एक एक करके देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले दोस्तों टैली को ऑन करेंगे और क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक हम कंपनी ABC नाम से बना लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी इंडिया और बिहार की है, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोस्तों ऑलरेडी ये कंपनी मेरी बन चुकी है और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखने लगा है। यहाँ पे आपको जनरल वाउचर की एंट्री करनी है, इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन्स यूज़ करने पड़ेंगे और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको जर्नल खोलने के लिए यहाँ से कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ से शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे जनरल वाउचर का ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। यहाँ से जनरल वाउचर यानी जनरल दिख रहा है आपको, यहाँ से नंबर दिख रहा है और यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर दिख रहा है, जितने सारे आपने लेजर्स बना रखे हैं उसका लिस्ट। हालांकि मैंने एक भी लेजर नहीं बनाया, इसलिए मात्र पहले से बाय डिफॉल्ट जो लेजर है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का वही शो कर रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से एक एक करके क्वेश्चन हम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे दोस्तों कि क्वेश्चन अगर हम देखें तो जनरल वाउचर का एंट्री में पहला क्वेश्चन है वेजेस पेड 500 रुपीज़, तो हम टैली खोलते हैं और ये वेजेस के रूप में पैसा 500 रुपया पेमेंट किया जा रहा है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी चार्ज, आपने 500 पेमेंट किया। तो जब भी दोस्तों हम पेमेंट करते हैं तो कैश मेरे पास से जाता है, तो कैश हमेशा क्रेडिट में रहता है। अब डेबिट में जो आपका लेजर बनेगा वो वेजेस पेज का बनेगा, तो हम यहाँ से वेजेस का लेजर बनाने के लिए अगर W लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए मुझे Alt और C बटन प्रेस करना है और यहीं पे एक लेजर बनाना है WGES वेजेस का। दोस्तों वेजेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है क्योंकि ये आपके लिए खर्चा हो रहा है, ठीक है, मजदूरी चार्ज आप दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालकर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 500 हम अमाउंट डालेंगे। अब दोस्तों ये पैसा कैसे दिया जा रहा है, तो ये पैसा कैश में दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब दोस्तों नरेशन में बीइंग लगा करके आप लिख सकते हैं बीइंग वेजेस पेड। अब दोस्तों ये बीइंग वेजेस पेड नरेशन टाइप करने के बाद हमें एंटर करना है और एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली बन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन हम बना करके देखते हैं, कैरेज इन वार्ड पेड करना है 70 रुपया। अब दोस्तों टैली को हम ऑन किए, Alt C से हम एक लेजर बना दिए कैरेज इन वार्ड का। दोस्तों ये लेजर अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट 70 रुपया है, 70 डालेंगे। ये पैसा पेमेंट हो रहा है कैश में, तो हम इसे कैश डालेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैरेज इन वार्ड पेड, बीइंग कैरेज इन वार्ड पेड। अब दोस्तों हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट, तो ये जर्नल का एक और एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों अगला एंट्री हम लोग का इंटरेस्ट पेड करना है 6000 रुपया। अब इसका एंट्री हम लोग जर्नल में ही करेंगे, तो Alt और C बटन से हमें एक लेजर बनाना होगा इंटरेस्ट पेड का, एंटर करेंगे। ये दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, तो यहाँ से मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। मान लिया जाए इंटरेस्ट पेड जो हम कर रहे हैं वो 500 कर रहा है, इंटर करेंगे। और ये पैसा हम अगर कैश पेड कर रहे हैं तो हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड और एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वो है टी एक्सपेंसेस 100 रुपीज़, 100 रुपया आपका चाय में खर्चा हुआ, तो Alt C करके मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा टी एक्सपेंस का, EXP, टी EXP।
ये भी दोस्तों अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जितना भी रुपया एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इंटर, और इंटर करने के बाद ये पैसा अगर कैश में खर्च हो रहा है तो हम यहाँ से कैश डालेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी टी पेड और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका फ्यूल एक्सपेंसेस 500। अब दोस्तों आपने पेट्रोल में खर्चा किया 500 रुपया, तो अल्ट सी करके आपको यहाँ लेजर बनाना होगा, एफ यू ई एल फ्यूल ई एक्स पी, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, 500 अमाउंट डालेंगे और ये पैसा कैश में खर्च हो रहा है तो कैश डालेंगे। अब दोस्तों कैश डाल करके नरेशन लिखेंगे बीइंग फ्यूल एक्सपेंसेस और एक्सेप्ट करेंगे। अब इन सारे क्वेश्चन को अगर देखना होता है तो बैग जाएंगे, और देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले ऑप्शन में इंटर करेंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको डेबुक में जाना होगा, फिर इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस लिस्ट वाइज दिख जाएंगे जितने क्वेश्चंस आपने अभी बनाए। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको डिटेल्स में दिखेगा। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो जो क्वेश्चन आपको देखना है उसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो दोस्तों वो क्वेश्चन फुली स्क्रीन में खुल करके आपको जैसे जैसे बनाए थे उस लाइक आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इस क्वेश्चन में कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहीं से इंटर करेंगे और जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसे करके और एक्सेप्ट कर लेंगे, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जर्नल वाउचर का एंट्री करते हैं अपने टैली के अकाउंट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों एक बात शेयर कर दूं कि अगर आप मेरा प्लेलिस्ट से टोटल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस में जाएं और वहां से प्लेलिस्ट पे क्लिक करें चैनल को फुल ओपन करके, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास पहला से लेकर के आज 27 क्लास तक है, इन सारे क्लास को बारीकी से आप देखें, आपको टैली जो है 110% पूरी आसानी से चलाने चली आएगी और आप दोस्तों किसी भी टाइप का काम वर्क आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको सर्टिफिकेट के लिए भी क्यूरी करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।